अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आठवीं जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रही हूँ। नज़म का नाम है नज़म नंबर 2 तरबूज, जिसके शायर है नज़ीर अकबर आबादी। आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। बच्चों, तरबूज तो आपने खाया होगा। तरबूज जो एक फल है जिसे हम बड़े शौक से खाते हैं, तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। पहली बात, कायनात की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला से तख्लीक की है। जैसे कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, आसमान, समंदर, चांद सितारे, जितनी भी हमारी कायनात में चीज़ें, सब अल्लाह ताला ने हमारी पूरी जितनी भी कुदरती मनाजिर को अल्लाह ताला ही बनाए। जितने भी जानदार हैं, नबातात हैं, सबका मालिक अल्लाह ताला है। इनमें चाँद, सूरज, सितारे, आसमान, पेड़ पौधे, फल फूल वगैरह शामिल है। अल्लाह की तख्लीक करदा इन चीज़ों से इंसान बेशुमार फ़ायदे हासिल करता है। जैसे अल्लाह ने चांद सितारे बनाए, समुंदर बनाया, सूरज बनाए, आसमान बनाए, पेड़ पौधे बनाए, फल फूल बनाए, जितने भी जानदार चीज़ें बनाए, नबातात बनाए, इंसान बनाए, नबातात हैवानात बनाए, जितनी भी हमारी कुदरती चीज़ों से हम फ़ायदा उठाते हैं, हवा, पानी, मुख्तलिफ मौसम में हासिल होने वाले फलों की मुख्तलिफ खुसूसियात होती है। जैसे हर फल का अलग अलग मौसम होता है, कि जैसे आम का अलग मौसम होता है, तरबूज का अलग मौसम होता है, संतरे का, सेब का, सब जितने भी फल होते हैं उनका मौसम अलग अलग होता है। मौसम गर्मा में के फलों में तरबूज मशहूर है। जैसे जब मौसम गर्मा का मौसम आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, उस वक्त हम तरबूज बड़े शौक से खाते हैं। मौसम गर्मा में गर्मी की शदीद को कम करने में तरबूज की अपनी अहमियत है। मतलब मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत को कम करने में तरबूज की अपनी अहमियत है। मतलब तरबूज हम बड़े शौक से खाते हैं। जैसे मौसम गर्मा में शदीद गर्मी हमें महसूस होती है, तो उस दौरान हम तरबूज बड़े शौक से खाते हैं। आइए हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी। वली मोहम्मद नज़ीर पर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। जैसे वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो वो आगरा चले आए। जैसे दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में उनकी हालत ख़राब हो गई थी, वो आगरा चले आए। उन्होंने अपनी नज़मों में हकीकत की दिल से तस्वीर पेश किया, जैसे अपने उन्होंने हकीकी वाक़ियात को बयान किया है। सादा अल्फाज से माहौल की मंजर कशी करना नज़ीर के का खास कमाल है। नज़ीर उर्दू के आमी शायर की हैसियत से मकबूल है। उन्होंने अपनी नज़मों में हिंदुस्तानी मेलों, त्यौहारों, सामाजिक माहौल का अक्कासी किया। जैसे उन्होंने अपनी नज़मों में मेलों का जिक्र किया है, त्यौहारों का, सामाजिक माहौल का जिक्र किया है। बंजारा नामा, आदमी नामा, रीछ का बच्चा, कलजिक, बरसात की बहारें, होली, दिवाली वगैरह उनकी मशहूर नज़में की। 16 अगस्त 1830 को आगरा में उनका इंतकाल हुआ। 16 अगस्त 1830 को आगरा में उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि वो बहुत ही बड़े शायर थे। उन्होंने काफ़ी नज़में कहानियाँ लिखी। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। क्यों ना हो सब जुमर के बराबर तरबूज, करता है खुश कलीजे की ततई तर तरबूज। क्यों ना हो सब जुमर के बराबर तरबूज, करता है खुश कलीजे के तई तर तरबूज। अब यहाँ पे दिल्ली की गर्मी को निकाले हैं ये अक्सर तरबूज, जिस तरफ देखे बेहतर से बेहतर तरबूज, अब तो बाजार में बिकते हैं सरासर तरबूज। जैसे आप तरबूज देखा होगा, तरबूज जब हम लेते हैं बाज़ार में, आपने देखे होंगे बाज़ार में काफ़ी बड़ी तादाद में गर्मी के मौसम में बिकते हैं। अब बड़े शौक से हम तरबूज खाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा गला खुश हो गया है, कि हमारा मौसम जो काफ़ी खुश हो गया, तो उस दौरान हमें बाज़ार से हमें सब्ज़ रंग का तरबूज खाने का दिल चाहता है। मीठे और सर्द में इतने के ज़रा नाम लिए, होठ चिपके हैं, ज़दा दांत है, करके बसते, सब को दो चार मंगा कर जो तराश मैंने, क्या कहूँ कि मिठाई में वो कैसे निकले। कोई ओला, कोई मिश्री, कोई शक्कर तरबूज। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो तरबूज की शक्ल काफ़ी अलग अलग होती, कोई ज़्यादा सूखे रहते, कोई ज़्यादा हरे रहते, कोई ज़्यादा हरे भरे रहते। जब उसे हम काटते तो उनमें जब तरबूज हम खाते हैं, जिसका जब हम खाते हैं तो उसकी जो मिठास रहती है, हमें ऐसा लगता है कि हम मिठाई खा रहे हैं। मुझसे कल्याण ने मंगवाया जो देखे पैसा, उसमें टांकी जो लगाई तो कच्चा निकला। देखो तेवरी को चढ़ा होके गजब तीश में आ, कुछ ना बनाया तो फिर घोर के ये कहने लगा, क्यों बेलाया हूँ उठाकर ये मुरासर तरबूज। जैसे बाजार में गर्मी के मौसम में तरबूज काफ़ी मकदार में दिस्तयाब होते, जहाँ भी हम बाज़ार में जाएँ
मैं बोलते हैं ना, जहाँ देखो तरबूज बिकते रहते हैं। जब हम तरबूज लाते हैं, अगर मीठा निकलता है तो हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन जहाँ खट्टा निकला, सूखा खट्टा निकला, फीका निकला, और जिसमें कोई बदमजा निकला, तो हम पछताते कि हम इस बदमजे तरबूज को क्यों घर लाया, क्यों अपने पैसे को बर्बाद किया। जब कहा मैंने मियाँ ये तो नहीं कच्चा, और कच्चा है तो मैं पेट में बैठा तो ना था। इसके सुनते ही गजब होके वो लाल अंगारा, लाठी पाटी ना जो ना पाई, फिर आखा झुंझला, खींच मारा मेरे सीने पर उठाकर तरबूज। अब यहाँ पे जब हम बाजार से तरबूज से लाते, तो हम देखो भाई साहब के जो रहते हैं दुकानदार, जो बेचता है, उसे हम बोलते हैं हमें काट के दिखाइए, कभी हमें खराब निकला, कभी फीका निकला, कभी खट्टा निकला, कभी ये बदबजा निकला, तो हम इसे कैसे खाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे, यहाँ पे शायर क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम गलती से कोई हरे रंग का, सब्ज रंग का हमने ले आया तरबूज ले आया, उसे हमने काटा, कभी बदबजा निकला, तो हम पछताते कि हमने खाली हम बेवजह हमने अपने पैसों को बर्बाद किया, बदमजा तरबूज को हमने बर्बाद किया, ये बहुत ही ख़राब तरबूज है, हमने क्यों लेकर आया। तो तरबूज क्या जवाब दे रहा है कि मैं पेट के अंदर तो घुसा नहीं था, आपको मुझे काट के चेक करना चाहिए था कि मैं बदमजा हूँ कि मज़ा हूँ, मज़ेदार हूँ कि बदमजा हूँ। तो यहाँ पे शायर ने तरबूज की तारीफ बयान की कि तरबूज अगर मीठा रहता है तो बड़े शौक से खाते हैं, हम बड़ी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ वो ख़राब निकलता है तो वहीं हम उसकी बुराई करना शुरू करते हैं, इस बदमजे तरबूज को हमने क्यों घर ले आया। तो आइए इस खुलासे कलाम तरबूज पढ़ते हैं। तरबूज जर्द रंग का एक फल है, जर्द रंग का, जिसे उसकी जो ऊपरा रहता है वो सब्ज रंग का, लेकिन जब अंदर हम खाते तो जर्द रंग का, लाल रंग का होता है। ये अपनी रंगत में कीमती हीरे जमर की बराबरी करता है, मतलब उसकी जो इसकी रंग बड़े कीमती हीरे की तरह, जैसे आपने हीरे का रंग देखा होगा। तरबूज खाने से कलेजे में ठंडक महसूस होती है, जैसे तरबूज हम खाते तो उसमें हमें काफ़ी कलेजे में हमें ठंडक महसूस होती है, हमारा पेट ठंडा हो जाता है। गर्मी के मौसम में बाजार में हर तरफ तरबूज ही तरबूज नजर आते हैं, ये इतने मीठे होते कि होंठ के एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे हम खाते तो हमारे हेठ एक दूसरे के होंठ में चिपक जाते हैं, ऐसे सर्द होते कि उसे खाने से दांत कर कर बजने लगते हैं। मैंने दो चार तरबूज मंगा कर तराशे तो पाया कि मज़े में कोई ओला है, कोई मिश्री, कोई शक्कर जैसा है। जिससे मैंने बाजार से किसी नौकर से पैसे देके बोला कि जाओ बाजार से तरबूज ले आ, तो मैंने किसी तरबूज को काटा तो कोई मीठा है और कोई बदमजा है, कोई खट्टा है। कल मेरे दोस्त ने पैसे देकर मुझसे तरबूज मंगवाया, वो कच्चा निकला तो नाराज होकर कहा ये तरबूज है या तेरा सर। मतलब यहाँ पे शायर क्या कहना चाहते हैं, कल मैंने किसी नौकर से पैसा देके तरबूज मंगाया, बाजार से तरबूज ले आना, जैसे मैंने उसे काटा तो ये इसकी बदमजा निकला, इसका जो मजा था जायका काफ़ी मनमना था। तो मैंने उसे चिल्लाया कि ये तरबूज है कि तेरा सर। मैंने अर्ज़ किया मियाँ ये कच्चा नहीं, अगर कच्चा भी है तो मैं इसके पेट में बैठकर देख नहीं सकता था। अब यहाँ पे नौकर क्या कह रहा है कि अपने साहब को क्या जवाब दिया, मियाँ अगर ये कच्चा होता तो मैं इसके पेट में तो नहीं अंदर मैंने चेक तो नहीं किया कि मीठा है कि खट्टा है। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गया, उसने वही तरबूज मेरे सीने पर खींच मारा। तो यही सुनकर वो गुस्से में आ गया कि उसे जब साहब को गुस्सा आया कि ये मुझे कैसे जवाब दे रहा है, कि फिर उसने वो जो तरबूज लिया था उस नौकर के सर पर खींच के सीने पे मार दिया। तो यहाँ पे शायर ने तरबूज की काफ़ी बयान की कि तरबूज जब मीठा होता है, मज़ेदार होता है, तो हम बड़े शौक से खाते हैं, हम बड़े शौक से जर्द रंग जो रहती है इसकी बड़े शौक से खाते, लेकिन जहाँ वो ख़राब निकलता है, बदमज़ा निकलता है, तो हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं कि ये तरबूज की क्या ले आया है तूने। आइए इस नज़म के ज़रा मायने दिखते हैं। तकली किरदा पैदा किया हुआ, आम फहम सबकी समझ में आने वाला आसान, कल जग बुरा जमाना, हिंदू अकीद के मुताबिक चौथाई अब जमर सब्ज रंग का एक हिंदी पत्थर, तई ले वास्ते खुद मिठाई मिठास औला एक उनकी मिठाई, टाँकी लगाना छिरी मारना, लाठी पाठी लकड़ी डंडा। तो आइए इस नज़म को एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर दो तरबूज नज़ीर अकबर आबादी, जिसके शायर हैं। क्यों ना हो सब श्रमर के बराबर तरबूज, करता है कुछ कलीजे के तई तो तरबूज, दिल्ली की गर्मी को निकाले ये अक्सर तरबूज, जैसे अब देखिए बेहतर से बेहतर तरबूज, अब तो बाजार में बिकते हैं सनासर तरबूज, मीठे सर्द है इतने के जरा नाम लिए, और चिपक के जन ज़्यादा दाल कर लीजिए, दाँत कर दीजिए, जब को
सबको दो चार मंगा कर जो तराशे मैंने, क्या कहूँ मैं मिठाई में कैसे निकले, कोई हालांकि कोई कोई मिश्री कोई शक्कर तरबूज, मुझसे खलिया से मंगवाए जो देकर पैसा, उसमें टाँकी जो लगाई तो वो कच्चा टाँकी नहीं लगाई तो कच्चा निकला, देखो तेरी सड़ा हो गजब हुआ हो के गजब तेज में आ, कुछ ना बनाया तो फिर घोर के कहने लगा, क्यों बेबे लाए उठा कर ये मुरा सर तरबूज, जब कहा मैंने मियाँ ये तो कच्चा नहीं, अब कच्चा है तो मैं पेट में बैठा तो ना था, उसके सुनते ही गजब होके वो लाल अंगारा, लाठी पाठी ना जो पाई आखिर आकर झुंडा खींच मारा मेरे सीने पर उठाकर तरबूज। शायर ये कहना चाहते हैं कि अगर तरबूज हमें पसंद नहीं आया, कि एक जो शख्स है उसने अपने नौकर को पैसे दे के तरबूज मंगाए, जाओ बाजार से गर्मी शदीद हो रही है, जाओ बाजार से तरबूज ले आओ, जब नौकर ने तरबूज लेकर आया बोला कि साहब ये तरबूज है, जब उसने काटा उसका ये कच्चा निकला तो वो नौकर को चिल्ला रहा है, शख्स साहब जो है चिल्ला रहा है कि तुमने कैसा बदमजा ले आया, तो नौकर ने क्या जवाब दिया, भाई साहब मैंने इसके पेट के अंदर तो नहीं बैठा था कि ये मीठा है कि खट्टा है। अब साहब को बड़ा गुस्सा आया, उसने कोई लाठी पाटी ना देखी वही तरबूज से फेंक कर उसके सीने पे मार दिया। कि हमें ऐसा पता चलता है कि जब तरबूज मीठा होता है, जब लजीज होता तो बड़े शौक से खाते, लेकिन जहाँ खराब निकलता है तो हम उसे उसकी बुराई करके उसे उसे कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं।